नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है मित्रों हम बात कर रहे थे यशपाल शर्मा जी की किताब में से शिक्षक के बारे में शिक्षक एक अच्छा हुआ तो शिष्य का जीवन सुधर जाता है लेकिन शिक्षक ही अच्छा नहीं है तो एक शिष्य का जीवन भी बिगड़ जाता है घर से बच्चा बहुत कुछ उम्मीदें लेके चलता है कि आज मुझे ये सीखने को मिलेगा तो मैं अपने जीवन में ये अमल करूँगा आज वही शिक्षक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो यशपाल शर्मा जी ने कविता के रूप में लिखा हुआ है आइए बात करते हैं मैं आपका और आप हमारे इस मेहमान का स्वागत कीजिए यशपाल जी आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने स्टडी में बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया हम बात कर रहे थे शिक्षक के बारे में जी हाँ। शिक्षक आपने कहा कि अच्छा होता है एक शिष्य के जीवन को सुधार देता है आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे छाया तेरे उज्जवल भविष्य तू जिंदगी अलमय वरदान सच में तू राष्ट्र निर्माता तुम हो हर पीढ़ी के प्राण विद्यार्थी है चिराग रूप आदर्श तेरा है अपनाते तेरे यतन लगन स्पर्श से माटी से कुंदन बन जाते इसके बारे में मतलब एक शिष्य जो है वो माटी से कुंदन बन जाता है निज कर्म तल्लीन हो सुप्त गुणों को तू जगाता मानव सेवा रहा बताकर विश्व आंगन में पहुंचाता माँ बाप बच्चे को बहुत आशाओं के साथ उम्मीदों के साथ सपनों के साथ स्कूल में भेजते हैं जी, माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो उसके एक सपने होते हैं कि मेरी बेटी जय बनेगी मेरा बेटा जय बनेगा उनको साकार करने के लिए माँ बाप स्कूल में भेजते हैं और जब बच्चों को अध्यापक के स्पुरद किया जाता है तो माँ बाप जी आशा करते हैं कि हमारे सपने की उड़ान जो है जो अध्यापक पूरी कर सकता है वैसे कहा जाता है कि माँ सौ गुरुओं के समान है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक माँ सौ गुरुओं के समान है इतना माँ को एक सम्मान दिया है जो माँ है उसकी पहली गुरु जो है बच्चे का पहला गुरु माँ है माँ है और दूसरा गुरु उसका शिष्य है और अपना शिक्षक है शिक्षक तो शिक्षक का जो चित्र है शिक्षक का जो ज्ञान है उसका कहने का जो ढंग है अगर वो बच्चे के अनुरूप है अगर बच्चा उसको फॉलो करता है तो बच्चा धीरे 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 एक एक अच्छा नागरिक बनना शुरू हो जाता है उसकी आतों के मुताबिक उसकी जैसा अध्यापक चाहता है अगर वैसा बन रहा है तो माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा वैसा बन रहा है मैं कुछ दिनों कोई बात कर रहा हूँ मैं जी कि मेरा पोता गोविंद वो एल के जी में पढ़ता है जी तो उनके अध्यापिका ने कहा कि बच्चों सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैरों को आपने स्पर्श करना है उनका आशीर्वाद लेना है स्कूल से भी आते और स्कूल जाकर जैसे जाते हो तो ऐसे करना है तो बच्चे ने उस पोते ने ऐसा करना शुरू किया सुबह उठा मम्मा कहाँ है पापा कहाँ है मैंने आपके पैरों को हाथ लगाने हैं मेरी मेरी मैम ने कहा था बाबा जी कहाँ हैं मैंने उनके पैरों को हाथ लगाना है मेरी मैम ने कहा था सो ये जो छोटे छोटे जो संस्कारों के अंकुर हैं ये अध्यापक पैदा करते हैं hmm. फिर आज कल दो तीन चीज़ों के ऊपर सरकारें प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें और समाज का एक समाज सुधारक जो हैं वो विशेष रूपे जोर दे रहे हैं कि पर्यावरण का जल बचाने का बेटी पढ़ाने का तो जब थोड़ा सा भी पानी मैं यूज़ करता हूँ तो वो कहता है बाबा जी पानी को वेस्ट नहीं करना है <laughs> वो मुझे ही शिक्षा देता है और जिस ये जो भाव आया जे बच्चे के मन में उसकी जो अध्यापक जो शिक्षक है उसने वो उसके मन में पैदा किया फिर एक दिन कहने लगा कि बाबा जी मुझे मैम ना बहुत ही प्यार करती है मैं क्यों प्यार करती है बाकी भी तो बच्चे हैं कहता है मैं जब खाना खाता हूँ तो जो चीज बचती है जो टिश्यू पेपर बचते हैं मेरे पास जो टिफिन में होते हैं वो तो सारे मैं डस्टबिन में डालते हैं डाल देता हूँ और जो दूसरे बच्चे हैं वो इधर फेंक देते हैं तो मेरी मैम मुझे अपने पास बुला करके कहती है कि गोविंद बहुत प्यारा बच्चा है देखो जी डस्टबिन का यूज कर रहा है जी तो ये सब जो भाव है ये अध्यापक कर पैदा करता है <laughs> आगे उनको पुष्पित तो पलवित करना ये सारा अध्यापक का काम ही नहीं है ये माँ बाप के काम है अगर मेरा बेटा उठ करके मेरे पैरों को हाथ लगाएगा बहू मुझे उठ करके मेरे पैरों को हाथ लगे मुझे रिगार्ड देंगी सुबह आते और जाते हुए राम राम कहेगी ओम शांति कहेगी कुछ कहेगी तो बच्चे देखा देखे कुछ ना को कुछ ना कुछ जरूर रहेंगे कॉपी करते हैं वो कॉपी करते हैं बच्चे बच्चे कहते हैं कि ये नकलची बंदर होते हैं जी जैसे बड़े करते हैं बच्चे वैसा वैसे करते, करते हैं।, हैं और कुछ घरों में मैंने देखा है कि बाप जमाम दोनों मियाँ बीबी का जज झगड़ा होता है तो बच्चे सहम जाते हैं कई घरों में गाली गलौज होता है तो बच्चे गाली गलौज सीखते हैं सो बच्चा घर से भी बहुत कुछ सीखता है माँ बाप की सबसे बड़ी जो जायदाद है जो संपत्ति है वो उनके बच्चे हैं और समाज की देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो आने वाली नई पीढ़ी है जिसने कल को एक शिक्षक बनाने हैं शिक्षक बनने हैं वैज्ञानिक बनने हैं साहित्यकार बनने हैं और नेतागण बने हैं जिन्होंने समाज को गति देनी है देश को संभालना है समाज को संभालना है अगर वो अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा हमारा देश अच्छा बनेगा मजबूत बनेगा अच्छा विचारी और संस्कारी बनेगा एक जागरूक नागरिक बनेंगे स्वस्थ स्वास्थ्यवर्तक बनेंगे ज्ञानवान बनेंगे और ये सारे जो कार्य हैं ये अध्यापक के जिम्मे डाल डाले जाते हैं और अध्यापक अपने अध्यापक को अपना काम पूरी रुचि से करना चाहिए पूरी लगन से करना चाहिए hmm. मैं जब पहली बार मुझे स्कूल में शिक्षक का काम मिला तो मेरे माता पिता ने मुझे एक बात कही मेरे माता पिता वो अनपढ़ थे किंतु विचारों संस्कारों वाले थे उन्होंने कहा कि बेटा जिन बच्चों को तूने पढ़ाना है अभी तुम शादीशुदा नहीं हो कल को शादीशुदा होना है नहीं, नहीं, नहीं। तो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाना है बच्चों को प्यार से भी और कुछ मार से भी कुछ प्यार से कुछ मार से समझा बुझा करके बच्चों को बनाना है उनके जीवन को बनाना है अगर तुम उनके उनके जीवन बनाओ आप उनकी जिंदगी बनाओगे लगन से तो आने वाले काल को तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा और तुम्हारे पर जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे बनेंगे और जो मेरे उस्ताद थे जो वहाँ पे हेडमास्टर थे सांबल जी गुरदयाल सिंह सांबल जी तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि बेटा तुमने छठी से लेकर के दसवीं तक बच्चों को पढ़ाना है क्या बात है तो उस समय मेरी जो थी सारी बाईस साल की थी मैं गाँव से आया था तो गुरदासपुर में मुझे स्कूल में जब जगह मिली वो मेरा पहला स्कूल था तो उन्होंने भी यही बात कही कि ये बच्चे अपने छोटे भाई समझ करके अपनी औलाद समझ करके इनको पढ़ाना है और इनकी जिंदगी बनानी है तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी बनेगी और तुम्हारे जो आने वाले बच्चे हैं उनकी भी, भी जिंदगी अच्छी बनेगी मैंने वही बात को लेकर के मैं चलता रहा जो अध्यापक इस बात को लेकर के चलते हैं वो एक शिष्य की जिंदगी सुधार सकते वो शिष्य अगर को जिंदगी बनाते हैं तो उनकी भी बनती है और उनके जो बच्चे हैं उनका परिवार का जीवन भी अच्छा होता है को कहते हैं कि जैसे जैसी हमारी कमाई होती है जैसा हम बच्चों को अन्न अपना खिलाते हैं वैसे ही है मन तो मन भी उनका वैसा बनेगा जैसा हमने अन्न कमाया है वैसा ही उनका मन बनेगा नीति से कमाया हुआ धन नीति की राह पे चलेगा जी, चोरी जी, का जी, कमाया जी, हुआ धन वो वो मोरी में चला जाएगा उनके बच्चे भी पैसे होंगे पूरा एक शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो शिष्य को क्या शिक्षा दे सकते क्या है? शिक्षा देता है वो पहले अपने बारे में सोचे कि मैं जिस कर्म को करने जा रहा हूँ ये बहुत ही एक पूज्य महान और गुरु से ऊपर हमें गुरु की ये जो पदवी मिली है ये कम पदवी नहीं है गुरु से ऊपर कोई भी शब्द नहीं है शब्द नहीं है। जिसकी जिसकी दुनिया में पूजा की जाती हो आगे आपने लिखा है राम कृष्ण और अर्जुन भीम तूने ही दिया था ज्ञान सभी छात्रों इतिहास में चमकाया अपने गुरुओं का नाम वरिष्ठ द्रोणाचार्य गुरु सब जग में है सत्कारे जाते योग शिक्षक हर काल में योग्य शिक्षक हर काल में विष्णु महेश पुकारे जाते त्रिलोक दुर्लभ त्रिलोक दुर्लभ रतन है तू ज्ञान दीप का है आगार तेरी सत्ता जब तक जग में अलोकित होगा यह तो राम के गुरु विशिष्ट थे कृष्ण के गुरु संदीप नहीं थे और पांडव और द्रोणाचार्य जे पांडव और कौरवों के जो गुरु थे राम के गुरु विशिष्ट तो इन लोग इन गुरुओं ने ऐसे स्तंभ पैदा ऐसे आकाश दीप पैदा किए ऐसे प्रकाश स्तंभ किए राम जैसे कृष्ण जैसे ये सब उन गुरुओं का कमाल था आज राम अरमाइन के रूप में पूजे जाते हैं जी राम की उपमा दी जाती है राम जैसा मेरा पुत्र होना चाहिए माँ बाप का आ गया कार्य पुत्र जिसने शासन का अपने राज के लिए कोई अपने मन में लोभ ना रखा वो चाहता तो नहीं जाता बाप ने तो नहीं कहा था उसको किंतु उसने कहा कि अगर मेरे घर में इस बात का झगड़ा है तो मैं इस चीज को त्यागता हूँ जी राम जैसे जो बनाने वाले उनमें जो भाव पैदा करने का भाव था ऐसे भाव वो सारे के सारे जो गुरु लोगों की देन थे उन्होंने अंकुर उनके मन में विचारों संस्कारों के डाले थे और माय में हम देखते हैं कि घर में सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए जी। जो अनुगामनी बनी अपने पति की महलों में जहाँ के उनको रोशनी की किरण तक नहीं जाती थी उसने एक उदाहरण पेश किया सीता ने के पत्नी हो तो पति के साथ छाया की तरह चलने वाले होने चाहिए जी 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 जी, जी। और आराम हमारे जीवन का एक मर्यादा का एक स्तंभ है मर्यादा पुरुषोत्तम कला है सीता जब उनके जीवन से उन्होंने वनवास को भेजा तो वो चाहते तो दूसरी शादी कर सकते कर सकते थे, थे।, थे। उनका जी। नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा आदमी के जीवन में एक ही शादी होती है और एक ही बीबी होती है वो उन्होंने उदाहरण पेश किया उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था जैसे भगवान राम वो लोगों की भावनाओं को देखते कि मेरे प्रति मेरी प्रजा क्या कहती है तो उसी लोगों की भावना को लेकर के उन्होंने जब उन्हें ये पता चला कि सीता को रावण से छुटा ला और इनकी पवित्र इसकी पवित्रता के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं तो उसने सीता को बात दिया और उसी का दूसरा उदाहरण हम महाराजा शोक को कह सकते हैं कि हमारा शोक वेश बदल करके वो रात को गुमा करते थे कि मेरी जो प्रजा है वो मेरे राज्य के बारे में मेरे जो राज की नीतियां हैं उनके बारे में क्या सोचती हैं कोई दुखी तो नहीं है कोई ऐसा अधिकारी जो कर्मचारी है कोई इनके ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है वो चलते चलते लोगों के भीड़ में वो बैठते थे अपने वेशभूषा को बदल करके के लोग जब बातें करते वो सुनते रहते थे जहाँ उनको लगता वहाँ ये कुछ गड़बड़ चल रही गड़बड़ चल रही है तो उसे जा करके दूसरे धर्म वो ठीक करते थे <laughs> वो सारी जो प्रेरणा थी वो राम से ही उनकी थी उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया कुलिंगा के युद्ध के बाद जब उन्होंने बाद नरसंहार देखा कि लाखों की तादाद में जो वीर हैं वो कट गए हैं उनकी संतानें जो हैं वो बाप हो गई हैं माताएं बहनें अपने पुत्रों से पत्निये अपने पति से और बहनें अपने भाइयों से महरूम हुई हैं तो उसने कहा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा और बुद्ध को अपनाया और बुद्ध को अपना करके उन्होंने ऐसे कार्य किए कि जो लोग कल्याण थे उन्हें अपनी सारी विलासता छोड़ी सारा अहम छोड़ा कि राजों में अहम ज़्यादा चीज़ होती है, आ को छोड़ा। और उन्हें जिस यो राज्य धर्म के ऊपर चलता है धर्म की मर्यादों के ऊपर चलता है वो बढ़ता फूलता है ये उन्होंने विचार जी 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 बहुत अच्छी बात आपने ये कही लेश मात्र है जिसमें बुद्धि करते तेरी महिमा गान राह पूजनीय हर युग में देव है तू नहीं इंसान अलौकिक शिव पुंज है तू अद्भुत कर्तव्य निभाने वाला नव निजन से को नीति ज्ञान करवाने कराने वाला तू देवलोग से उतरा दूत धरा स्वर्ग बनाने वाला मानवता दिया जला दिया, दिया दिल में करुणा प्रेम बहाने वाला मतलब आपने यहाँ पे तीन एक लाइन ऐसी है देव है तू नहीं इंसान अलौकिक शक्ति पुज है तू अद्भुत कर्तव्य निभाने वाला ये आपने किसकी तरफ इशारा किया शिक्षक अध्यापक वो है जो बच्चे की योग्यता को परखें किसमें योग्यता क्या है अध्यापक ब्रह्मा की तरह होना चाहिए जो बच्चों में अच्छे विचारों संस्कारों का जो बीज है वो उनके मन में बोए और विष्णु की तरह अच्छे विचारों संस्कारों को वो पल्वत पुष्पत करे बड़ाए फुलाए उनको उत्साहत करे जी अच्छा बेटा आगे निकलो और शंक की तरह जो खराब बीज हैं जो खराब संस्कार हैं उनको वो चुन चुन करके बाहर निकाले उनको जला दे वो ब्रह्मा का कार्य भी करे अच्छे विचारों का विष्णु की तरह उनको बढ़ाए फलाए उनको पलपुप करे और शंकर की तरह वो बुरे विचारों का नाश करे उनका वो तीन देवतों का काम करता है वो अच्छा पूजा कला को परखता है मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल में कुछ ऐसे हमारे बच्चे बच्चियां थी जिनमें कला थी तो मुझे लेखन में या गायन में रुचि थी कुछ बच्चे जब वहां पर सभा होती तो मैं बच्चों को देखता किसमें टेलेंट किस में है अच्छा। तो मैं उसे अपने पास बुला करके मैं उसे शाबाश देता बेटा ये पांच रुपये ले लो ये दस रुपये ले लो कल से अगली जो बाल सभा आएगी तुमने तैयारी करके आना है ये जो कविता तुमने पढ़ी है जो बहुत अच्छी पढ़ी है गा के पढ़नी है ताकि जो तुम्हारे अध्यापक हैं जो दूसरे साथी हैं सुनने वाले वो तुम्हारी सराहना करें इस कला को तुमने बढ़ाना है सो ये पहचान जो है जो अध्यापक कर सकता है उसके माँ बाप भी कर सकते हैं और माँ बाप और अध्यापक और उसका पर्यावरण उसका वातावरण ये तीनों चीजें जो है जो मिल करके किसी बच्चे को बना सकते हैं एक अध्यापक ही निरा नहीं कर सकता उसके लिए माँ बाप का सहयोग का तो आगे बढ़ने चाहिए। के लिए तो सौ खुल जाते हैं। लक्ष्य सामने होना चाहिए जो रास्ते हैं वो खुद खुद ही चलते जाते चलते आते हैं मतलब आपने शिक्षक के साथ एक माता पिता को भी जोड़ा है कि एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए एक शिक्षक ही नहीं माता पिता भी साथ में माँ बाप होने भी, भी चाहिए उसे सहयोग करें अध्यापक भी उसका सहयोग करे और उसका जो वातावरण है जिसमें वो रहता है उसमें देखे कहीं इसमें कमी तो नहीं आ रही वो इसको रहीट नहीं कर रहा माँ बाप अध्यापक उसका पर्यापन ये तीनों चीजें जो बच्चे को निर्माण करने में जो उसकी सहायता करती है अध्यापक एक अमूल्य रत्न है एक अद्भुत चिराग है जो रोशनी देता है बच्चे के मन को रोशन करता है क्या सही है क्या गलत है वो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है उसे यहाँ पर आपने पिछली कुछ पंक्तियों में बेटियों की बात की हाँ। कि बेटियां भी आजकल स्कूल जाने लगी है हाँ। लेकिन मैं जहाँ तक मैं अभी इस सेवाओं में मैं कहीं जाती हूँ हाँ। तो मैंने देखा हुआ है कि बेटियां अभी भी स्कूल नहीं जाती हैं उनकी जो परिवार वाले हैं जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों को अभी भी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पर सरकार को उन बेटियों के प्रति क्या मदद करनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हमें बेटियों को नहीं पढ़ाना है सीधा शादी करनी है तो उनके जीवन में क्या लक्ष्य है क्या साधना है क्या वो आगे करेंगी कैसे वो परिवार को देखेंगी मतलब एक तरफ से तो वो एक आ, मतलब मतलब कुछ कर ही नहीं सकती है हम तो चलो कितना भी पढ़े वो अलग बात है वो तो एक क्लास भी नहीं पढ़ पा रही उसके बारे में सरकार क्या मदद करे कि किस तरह से वो गरीब लोग अपनी बेटियों को भेजे लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र जागरूक लोकतंत्र चैतन्य लोकतंत्र राष्ट्र वक्त लोकतंत्र वो तभी हो सकता है जब सब उसके नागरिक शिक्षित हों ना बेचने का कारण उनमें गरीबी हो सकती है जी बिल्कुल है और सरकार जे ऐसा कानून बनाए कि कोई भी आदमी अपने बच्चे को स्कूल भेजने से महरूम नहीं कर सकता उसको सजा होगी सरकार बच्चों का बोझ उठाए पूरा उसके खाने पीने उसके पहनने का पहरावे का उसकी किताबों का कि जो गरीब है जो नहीं बेच सकता सरकार उसकी मदद करके ऐसी पॉलिसियां बनाए कानून बनाए और कानून के दायरे में सरकार भी हो कि शिक्षा का अधिकार शिक्षित करना हर नागरिक को जो सरकार का काम है सरकार ने उनको जो नहीं भेज रहे कहीं ना कहीं को गड़बड़ है गरीबी है अज्ञानता है वो सरकार भी सहयोग करे और जिस समाज में ऐसी लड़कियां हैं वो सरका वो समाज भी उनको कहे नहीं बच्चों को भेजो वहाँ के जो रहनुमा हैं सरपंच के रूप में पंच के रूप में नगर पालिका के रूप में वो भी उनको उत्साहित करें कि चलिए हम आपकी मदद करते हैं ये निर सरकार पे ना हमें छोड़ें जिस आ, मोहल्ले में गांव में या शहर में ऐसी को बस्ती है जो वहाँ पे जो मेंबर बनते हैं वहाँ पे नगर पालिकाओं के या जिस गांव में सरपंच है पंच है गली मोहल्ले में वो देखे कि कौन पिछड़ा हुआ है कौन स्कूल नहीं जा रहा है उनको उत्साहत करें सरकार उनकी ड्यूटी लगाए उनको कर्तव्य दे कि तुम्हारे गाँव में कोई भी लड़की या लड़का ये जा स्कूल जा जाने से महरूम नहीं होना चाहिए ये भेजना अगर कहीं कोताही होगी हम आपको पूछेंगे हमें सूचना करो कौन नहीं भेज रहा है माँ बाप के ऊपर भी डर हो और जो समाज सेवक हैं जो समाज के रहन वहाँ के जो लीडर हैं समाज के गांव के जो जो प्रमुख हैं वो भी अपनी ड्यूटी को समझे तो मैं नहीं समझता ये जो समस्या है जे रह सकती है जिसमूल नष्ट हो सकती है वह चीत जाएंगी आगे आपने कहा शिक्षा शिक्षार्थी हेतु पारस रूप करता तीसरा नेत्र ही, नेत्रदान। अपनी मेहनत लगन बुद्धि से जगत कहलाते परम विद्वान कर्तव्य कर्म कर्म को करम में करने में जब स्वार्थी आलस अपनाते हो मानवता को लात मारकर आन और शान घटाते हो तू हरेक क्रांति का जनक प्रेरणा का आधार रहा हर समय में हर वर्ग का नेतृत्व करता आ रहा। अन्याय सम्मुख छाती संघर्ष करता आ रहा लाखों अभावों में तू कर निज शोभा को बचा रहा हर देश कोम है तेरा ऋणी जब तक जग में सूरज चांद तू सुख संपत्ति पदवी दाता शत शत मेरा है तुझे प्रणाम मैं भी एक शिक्षक को प्रणाम करती हूँ यहाँ पर आपने बहुत लाइनें ऐसी लिखी जैसे अपनी मेहनत लगन बुद्धि से जगत कहलाते परम विद्वान जग कहलाते परम विद्वान मतलब जग को आपने किसके साथ जोड़ा या एक शिक्षक को जग के साथ जोड़ा शिक्षक को शिक्षक को जग के साथ, साथ शिक्षक है ज्ञान बांध है सचित्र है सत्यता है उसमें मर्यादाएं है उसमें जी। तो वो अपने शिक्षकों वो अपने जो शिष्य हैं उनको देगा छात्रों को देगा जिस शिक्षक में वो ये चीजें नहीं है मैं उनको शिक्षक नहीं कह सकता एक अध्यापक रूढ़ी वादियों से ऊपर होना चाहिए विशाल मन होना चाहिए उसकी दृष्टि है वो समान होनी चाहिए कि जितने भी छात्र बैठे हैं छात्र छात्राएँ हैं वो किसी भी जाति के हैं वो गरीब है अमीर है कुछ भी है तो दृष्टि में समान होने चाहिए उसमें और जिस वो अपना कर्तव्य हर एक के प्रति एक जैसा निभाए ये नहीं अजय अमीर का बच्चा है कहीं इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा वो गरीब का बच्चा है मैं उसकी तरफ नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी बात होती है तो वो अध्यापक ही नहीं है अध्यापक विशाल मना है उसके लिए जो बैठे हुए जो उसके जो शिष्य हैं वो प्रभु रूप हैं वो बाल रूप हैं वो कृष्ण रूप है वो राधा रूप है वो सीता रूप है जरूर जरूर बिल्कुल तो पारस तो वो तभी बन सकता है अगर वो खुद ही पारस जैसा है हूं वो तो मैंने पहले ही कहा मैंने कि बच्चे अध्यापकों को फॉलो करते हैं उसके आदर्श को अपनाते हैं वो अच्छा करता है तब भी नहीं करता है तब भी तब भी और बच्चे सबसे बड़े निरीक्षक होते हैं अध्यापक की एक एक बात को जानते हैं कि अध्यापक हमारा क्या करता है अध्यापक नशाबाद नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ वो बतकरा ना करे भेदभाव ना रखे जो अध्यापक ऐसा करता है अपने शिष्यों के साथ वो शिष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है कोई सम दृष्टि अध्यापक होना चाहिए जो अध्यापक सम दृष्टि है वो ही मान सम्मान प्राप्त करता है और वही सही समाज को दिशा देता है जो खुद ही दिशाहीन है वो अपने शिष्य को दिशाहीन ही करेगा वो समाज में भी उसका मान घटेगा अध्याप बच्चों की नजरों में वो गिरेगा तो ऐसे शिष्य जो हैं वो समाज में सम्मानित नहीं किए जाते वही सम्मानित जाते हैं वो सही माने में जो शिक्षक -शिक है जी, जी, जी। मंच के ऊपर जो कहता है अध्यापक वो करे बोर्ड के ऊपर जो लिखता है उसे सही लिखे और ऐसा लिखे कि जो बच्चे जो लिखें वो सही लिखें वो उसकी तैयारी करके घर से आए अगर बोर्ड पे वो गलत लिखता है तो बच्चे भी गलत लिखते गलत लिखते हैं।, हैं जी 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 सो अध्यापक जो है वो एक आदर्श है एक मार्गदर्शक है एक समाज का निर्माता है राष्ट्र का निर्माता है सो इसलिए उसने अपने चित्र के ऊपर अपनी हर वाणी के ऊपर अपने शब्द के ऊपर हर कार्य के ऊपर उससे अपना ध्यान देना है कि बच्चे मुझे चलते फिरते मुझे देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा आपने ये शिक्षक में अपनी कविता में एक शिक्षक के बारे में बताया और हमें कुछ सीखने के लिए बताया कि जैसा शिक्षक करेगा वैसा ही एक शिष्य भी करेगा मतलब हमारे जीवन में शिक्षक का होना बहुत जरूरी है अगर वो सही दिशा पे हमको लेकर जाता है, जी है। तो यशपाल शर्मा जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने शिक्षा के शिक्षक के रूप में ये कविता प्रस्तुत की आपका बहुत 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 धन्यवाद मित्रों शिक्षक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है शिक्षक अगर एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है तो शिष्य भी अच्छे रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करता है शिष्य जो शिक्षक जो सिखाता है पहले खुद अमल करता है फिर शिष्य उसको देख अपने जीवन में लेकर आता है अगली कड़ी में कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में नई कविता लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति